इन दिस सेक्शन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एग्जाम्पल सो सपोज आपका एक दोस्त है और मैंने किताब से नाम लिया है स्टीव तो आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं हम अभी हमारे एग्जाम्पल में उसको स्टीव बोल रहे हैं तो सपोज स्टीव ने एक आइसक्रीम पार्लर खोला है आइसक्रीम की दुकान खोलनी है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसने आपसे आके कॉन्टैक्ट किया और उसने बोला कि मुझे एक आइसक्रीम का स्टोर खोलना है और मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए जो कि आप मेरे साथ में इन्वेस्टमेंट करें और आके शेयर करें बिज़नेस को तो स्टीव के पास टोटल एक हज़ार डॉलर है और उसने आपसे लिया है दस हज़ार डॉलर और टोटल ग्यारह हज़ार डॉलर मिला के स्टोर बना लिया गया अब जब आप इस पर्टिकुलर टोटल दस हज़ार चाहिए था उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए और स्टीव के पास सिर्फ एक हज़ार डॉलर था लिहाजा उसको चाहिए थे नौ हज़ार डॉलर वो आपने इन्वेस्ट कर ठीक है तो अब आपके जो एक्टी स्टेक है आपका या जिसको हम कहेंगे कि जो आपके शेयर इन द टोटल इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक शेयर्स हैं हम मैं डिलिब्रेटली बिजनेस के फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के टर्म्स को इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो अब आपका जो एक्विटी स्टेक है इस बिज़नेस में जो कि दस हज़ार डॉलर ओवरऑल की इन्वेस्टमेंट से बनाया गया है उसमें न, नौ नौ हज़ार डॉलर आपने डाले हैं और एक हज़ार डॉलर स्टीव का है और अभी जब जो भी बिजनेस की जो प्रॉफिट आएगी ठीक है उसमें नब्बे फ़ीसद प्रॉफिट आपको मिलेगा और दस फीसद स्टीव को मिलेगा राइट दिस दिस हैज़ बीन डिसाइडेड अब हम सपोज इमेजिन कर रहे हैं हम सपोज जो स्टीव है वो भाग भाग के सारा बिजनेस को रन करता है आपने तो खाली इन्वेस्टमेंट की और आप अपने घर में बैठ गए हैं आपने उसको नौ हज़ार डॉलर दे दिए और बाकी एक हज़ार डॉलर और सारी मेहनत और मशक्क़त स्टीव की है तो स्टीव ने मेहनत से बहुत जदोजहद करके बहुत मज़ेदार मज़ेदार आइसक्रीम बनाई उसके बाद उसने सारे जो स्टोर था उसको साफ सुथरा रखा उसके सारे उसके मेंटेनेंस रखी उसकी डेकोरेशन वगैरह सारा कुछ करा जो भी उसके पास कस्टमर आता है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ स्माइल करके बहुत खुश अखलाक़ी के साथ आइसक्रीम बेचता है उस पूरे आइसक्रीम के स्टोर को कोशिश करता है कि साफ़ सुथरा रहे कोई भी कस्टमर नाराज़ हो के नहीं जाए और बहुत उसने जदोजहद की सारी फ़टाफट अरेंजमेंट्स आ, करे जो भी कुछ जैसे कस्टमर आए उन्होंने कोई टेबलें वेबलें हिला दी तो वो भाग भाग के उसने सारा कुछ उसको मेंटेन किया और बहुत जदोजहद की जदोजहद करने के बाद क्या हुआ कि एक साल पूरा गुजर गया और स्टीव के पास ओवरऑल जब उसने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया अपने सारे खर्चे वर्चे निकाल के तो उसने देखा कि अभी पचास हजार का प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस आइसक्रीम पार्लर से अब चूके नौ हजार आपने दिए थे और उसका सिर्फ एक हज़ार डॉलर था तो ऐसा करने से क्या होगा पहले ही हमने एग्री किया था रेशो कि चूंकि इन्वेस्टमेंट आपकी नौ हज़ार है उसकी एक हज़ार है तो उसी हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जब पचास हज़ार प्रॉफिट कैलकुलेट हुई तमाम एक्सपेंसिस बिल विल सब कुछ देने के बाद पचास हज़ार डॉलर बच गए तो उसमें से पैंतालीस हजार डॉलर आपको मिलेंगे और आपने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि आपने नौ हज़ार डॉलर दे दिए थे और बाकी का जो पाँच हज़ार डॉलर है वो उसका प्रॉफिट है अब जब उसको सिर्फ़ ये पूरी जदोजहद करने के बाद पाँच हज़ार डॉलर मिली और आपको उसको देने पड़े पैंतालीस हज़ार डॉलर तो वो क्या सोचेगा वो बोलेगा मुझे तो इतना जदोजहद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे जो इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट का पार्टनर था उसने तो कुछ किया ही नहीं और इस ना कुछ करने के बावजूद उसको मुझे पूरा पैंतालीस हज़ार डॉलर इन्वेस्टमेंट प्रॉफ़िट का शेयर देना पड़ा और मैंने सारी जदोजहद तो की पूरा साल भाग भाग के सारे काम किए सफाइयाँ सुथराइयाँ आइसक्रीम बनाई फैंसी स्माइलें मारी लोगों को और उसके पूरे जतन करने के बावजूद मुझे सिर्फ मिली फाइव थाउजेंड डॉलर तो मुझे तो ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए मुझे तो इतने जतन नहीं करने चाहिए कि मेरे जतन की वजह से मुझे तो थोड़े से पैसे मिल जाएं और किसी और को इतने ढेर सारे पैसे मिल जाएं तो वो क्या करेगा नेक्स्ट ईयर देर आर हाई चांसेस कि वो ये सारी जदोजहद नहीं करे हो सकता है कि वो जब प्रॉफिट पचास हज़ार की बनी थी ना तो प्रॉफिट को कम करेगा वो कैसे वो बोलेगा मुझे तो आइसक्रीम के नए फ्लेवर्स को बनाने के लिए कोई कोर्स करनी है और उस कोर्स करने के लिए मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ मैं कराची जा रहा हूँ वहाँ दस दिन का स्टे ले लिया वहाँ पाँच दिन का स्टे ले लिया मेरा अलहदा से दफ्तर होना चाहिए और वो दफ्तर में एयर कंडीशनर लगा हो और जो मैनेजर है जिसने ये पूरा बिज़नेस रन करना है यानी कि मैं खुद स्टीव उसके पास तो गाड़ी भी होनी चाहिए उसका पेट्रोल भी बिज़नेस से निकलना चाहिए उसके सारे खर्च मरच वो सब यहाँ से ही कट होने चाहिए तो वो नेक्स्ट ईयर क्या करेगा वो ये तमाम चीज़ों के ऊपर खर्च करे अपने ऊपर पैसे खर्च करे राइट अपने ऊपर जब पैसे खर्च करेगा तो बजाय इसके कि पचास हज़ार का प्रॉफिट होगा सेकंड ईयर में क्या होगा हो सकता है फिर प्रॉफिट दस हज़ार होता है अब दस हज़ार रुपयों में से उसको डॉलर में से नौ हज़ार उसको आपको देने पा रहा है फिर एक हज़ार डॉलर उसने खुद के पास रखा है प्रॉफिट का अब उसको नहीं दुख होने वाला उसको लेस दुख होगा और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल ओनर है उसकी जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की वो और जो एजेंट है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को रन करा रहे हैं जिसके पास सारा कंट्रोल होता है यानी कि मैनेजर हमारे इस एग्जाम्पल में उन दोनों की जो ऑब्जेक्टिव है उनमें कॉन्फ्लिक्ट है और जब कॉन्फ्लिक्ट होगी तो मॉरल हैज़ट आएगा सो दिस इज हाउ वी कैन वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कॉजेज मॉरल हैजट